मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान रे कांग्रेस पराजित होई विधानसभा निर्वाचन रे हारिबा परे ईवीएम मशीन को दायी करी कांग्रेस प्रथम वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एवं कमलनाथ पराजय पर ईवीएम मशीन को दायी करी प्रथम दिग्विजय कहते चिप थिबा जेकोनसी मशीन हैक होई पारे और 2003 मसीह से ईवीएम भोटदान प्रक्रिया को विरोध कर सेपटे किभली जने प्रार्थी मात्र 50 खंड भोट निज गांव रु पाइबे से नहीं प्रश्न उठाई वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ कांग्रेस एभली अभियोगर जवाब रखी बीजेपी केन्द्रमंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस को समालोचना करी कहिछंती जे पराजयर सम्मुखीन होगा पर ही एभली अभियोग आसे कर्णाटक हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना कांग्रेस विजय पाइबा कहीं एभली अभियोग आ प्रश्न करिछंती केन्द्रमंत्री हमने उम्मीदवारों को बुलाया हारे हुए जीते हुए उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए अभी सबकी बात मैं सुन लूं ऐसे मैं चर्चा करूं ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं ये सही नहीं होगा। देखिए ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह कहते मेरे अपने गाँव में मुझे 50 वोट मिले ये कैसे हो सकता है कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी जिसको परिणाम पहले से पता था जी उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ पराजय पर ईवीएम को दायी करी कांग्रेस कही जड़े जड़े विधायक प्रार्थी निज गांव रे निज अंचल रे 50 खंड भोट पाइबा आदौ संभवपर नुहे जी पूरा निर्वाचन मंडल में विजय लाभ करुछन्ते से निज गाँव में केमिति 50 खंड भोट पाइबे तो इने प्रश्न उठाई कांग्रेस एवं कमलनाथ कहते जे ईवीएम टैंपरिंग करा दउछि से दिग्विजय सिंह मध्ये कहते जे चिप थिबा जे कोनोसी जिनिस को हैक करा जाय पारे पराजय पर ईवीएम को दायी करुछन्ते कांग्रेस नेतृत्व एपटे बीजेपी किंतु ताको काउंटर करिछि एवं कहिछि जे जो राज्यगुड़े पूर्व कांग्रेस जितुला कर्णाटक हिमाचल प्रदेश में जीति एवं तेलंगाना जीति कांग्रेस कौन विजय पाइबापी ईवीएम मशीन को हेरफेर कर प्रश्न करजय पर एक आसेनी पराजय पर कहीं एक उठे से नहीं प्रश्न करमंत्री गिरिराज सिंह है ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए पंजाब के जीत पर नहीं उठाए हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए जब ये हारते हैं तब अपनी गलतियों को अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है जो गिरती हुई साख है उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है हार गए तो ईवीएम पर सवाल।